मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का हमारा ज्योतिष का विचार है, बुध का गोचर बड़े बदलाव का करेगा आप सभी की राशियों में शुभ संकेत। बुध ग्रह जो कि 2 नवंबर को रात्रि 12:54 बजे वृश्चिक राशि में गोचर कर गया। इस बुध राशि में 24 नवंबर 2:09 तक स्थिर रहेगा। बुध के इस गोचर ग्रह का असर 12 राशियों पर पड़ेगा। कहते हैं कि 100 दिन दुख के और 5 दिन के सुख के जो होते हैं वो जीवन भर का सुख प्रदान कर जाते हैं। इसी प्रकार बुध के इस गोचर ग्रह से अनेक राशियों पर पड़ने वाले शुभ संकेत और अनेक राशियों पर होने वाले अशुभ योग के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में आप सभी को मैं जन्म राशि के अनुसार 12 राशियों के विषय के बारे में बताने जा रहा हूं। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात अपनी जो जन्म तारीख और समय के अनुसार राशि बनती है उसके अनुसार आप इस हमारे बताए गए बुध ग्रह के विषय में ज्योतिष विषय के बारे में आप जानकारी लें। मेष राशि वाले यदि लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो इस दौरान आपको सफलता मिल सकती है। अध्यात्म की ओर झुका होगा और भक्ति में लीन रहेंगे। मेष राशि वाले बुधवार के दिन साबुत हरी मूंगी का दान किसी धर्म स्थान से करने से बुध का उत्तम फल प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले इस दौरान निजी जीवन में प्रेम आपसी सद्भाव बना रहेगा। प्यार भरी बातों से प्रेम संबंधों में और मजबूती आएगी। वृषभ राशि वाले बुधवार को पालक किसी धर्म स्थान प्रदान करें, इससे बुध का सुप्रभाव प्रकट होगा। अब बात करते हैं मित्रों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले बुध के इस गोचर की अवधि में आपका स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, मामले में अनदेखी ना करें। मुख संबंधित अगर अर्थात मुख में कोई छाले इत्यादि का अगर आपको है तो आप इसको इग्नोर ना करें और ध्यान करें। बहस और विवाद में आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है, इसके लिए आप बुधवार वाले दिन आप कैंची कौली में कांसे की कटोरी में देसी घी डालकर उसमें अपनी छाया देखकर अगर ये पात्र दान करते हैं तो बुध का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर होगा, शुभ का प्रभाव प्रकट होगा। कर्क राशि की बात करते हैं, इस दौरान कर्क राशि वालों को बड़ा संकल्प ले सकते हैं। संवाद शैली पहले से बेहतर होगी और लोगों में यश कीर्ति का संबंध अग्रसर होगा। आप बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेंगे। कर्क राशि वाले अपने निजी जीवन की शुभता के लिए मंगलवार के दिन 2 मुट्ठी हरी मूंगी भिगोकर बुधवार को सुबह प्रातःकाल पंछियों को डालें, इससे सफलता प्राप्त होगी। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वाले आपके जीवन में सिंह राशि वालों के लिए खुशहाली और समृद्धि आएगी। घरेलू गतिविधियों में वक्त बिताकर परिवार वालों को खुश करें। नया घर खरीदने की अगर योजना बना रहे हैं तो सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वाले अपने बुध के ग्रह को शुभता प्रदान करने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंगी साबुत किसी धर्म स्थान प्रदान करें, इससे शुभता प्रकट होगी। कन्या राशि वालों के लिए इस दौरान बुध के ग्रह के गोचर से अपने जुनून को संकल्प लेकर ज्यादा गंभीर हो जाएंगे और कार्य को उसको करके ही रहेंगे। संवाद शैली बेहतर होगी। क्रोध पर काबू रखें। इस गोचर के दौरान अपनी जॉब आप अगर दूसरी देख रहे हैं या आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। कन्या राशि वाले बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डालें, इससे जीवन में बुध ग्रह का शुभ प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वाले जिनकी तुला राशि है इस दौरान वाणी में मिठास आएगी और अपनी बातों से दूसरों को आकर्षित कर सकेंगे। हो सकता है कि आप इस मधुर व्यक्तित्व के कारण और भी कुछ आपके जीवन में लाभ मिल जाए। विदेशी जमीन से आर्थिक लाभ की संभावना संभव है। तुला राशि वाले जो तुला राशि के हैं बुधवार वाले दिन आप देसी घी का दान अपनी छाया देखकर करें, इससे लाभ प्राप्त होगा। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। मित्रों जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है इस दौरान आपका ध्यान आय के स्रोत को बढ़ाने पर रहेगा, जिससे कई आर्थिक लाभ भी होंगे। सामाजिक समारोह में आना जाना हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ विवाद हो सकते हैं, इसलिए गुस्से पर काबू रखें और संबंधों को सुधारें। वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन में बुध के शुभ ग्रह को प्रभाव को देने के लिए हरी इलायची का दान किसी धर्म स्थान पर माता के स्थान पर बुधवार वाले दिन करते हैं। अगर कम से कम 11 इलायची अगर चढ़ाएं धर्म स्थान पर तो उत्तम होगा। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले गोचर की अवधि में अपने खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। बिजनेस या फिर व्यवसायिक मामलों के लिए आप विदेश की ओर रुख कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। धनुराशि वाले अपने जीवन में शुभ प्रभाव के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डालने से लाभ प्राप्त होगा। आप बात करते हैं मित्रों मकर राशि। मकर राशि वाले अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लालसा बढ़ेगी। आप उस राह पर सकारात्मक भाव से आगे बढ़ें, ज्यादा लालच की संभावना से दूर रहें। किसी के साथ अगर आपकी साझेदारी बनती है तो ध्यान करके करें, कुछ रुकावटें आ सकती हैं लेकिन आप
उनका डटकर सामना करेंगे और आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे। मकर राशि वाले बुधवार वाले दिन पालक का दान करें किसी धर्म स्थान पर और किसी अगर किन्नर का आशीर्वाद लेते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले आप अपनी बुद्धि और समझदारी के बल पर कार्यों में सफलता हासिल कर लेंगे। इस अवधि में आपको नई पहचान और सम्मान मिलेगा। कुंभ राशि वाले बुद्ध के सुप्रभाव के लिए जिनकी जन्म राशि कुंभ के कुंभ अनुसार है आप अगर बुधवार को हरी मूंगी आप किसी धर्म स्थान पर दान करते हैं तो आपको बुध ग्रह का शुभ प्रभाव होगा। अब बात करते हैं मित्रों मीन राशि की। मीन राशि वाले अपने साथी के जरिए समाज में इज्जत हासिल करेंगे, अपने जीवन साथी का भरपूर लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ का फायदा भी उठाएंगे, बिजनेस पार्टनर से भी लाभ की प्राप्ति होगी, किसी या किसी इनाम अपनी नौकरी में या किसी बिजनेस में अवार्ड के हकदार हो सकते हैं। मीन राशि वाले अपने पास में किसी जामुन के वृक्ष के पास अगर उसको कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं बुधवार के दिन तो इससे उनके जीवन में और धन धान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मैंने मित्रों ये बुध ग्रह के होने वाले गोचर के सुप्रभाव को और आगमन को मैंने बताया जो कि 2 नवंबर से बदलाव करके और सभी की राशियों में जो ये है अपने अनुसार राशि के अनुसार उपयुक्त फल देगा। इस प्रकार आपको हमारा बताया ज्योतिष विचार कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें तथा हमारे नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष संबंधित आने वाले नए नए विचारों की जानकारी लेते रहें। मित्रों नमस्कार।